नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम आपको पब्लिक सर्वे दिखा रहे हैं, जानते हैं पब्लिक से बातचीत करके कि पब्लिक का क्या मानना है डेरा सचा सौदा संस्था के लिए, विसन डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह चिंसा के लिए। नमस्कार मैम, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैम आप कितने समय से आ रहे हैं डेरा सचा सौदा में? मैं 1984 से आ रही हूँ, परम पिता जी से नाम लिया है मैंने और जब से लगातार आ रही हूँ। जो नहीं इच्छा थी वो भी मेरी इच्छा पूरी हुई है। कितना विश्वास करते हो? बहुत ज़्यादा। आप मानोगे, किराए के मकान में रहती, तीन चार मकाने हो गए, गाड़ी है, सब कुछ है, अच्छे बेटियाँ अच्छे घर में ब्याई है। बस आपका परिवार भी आता है मैम आश्रम में? आता था, बेटियाँ की शादी नहीं हुई थी तब तक आती थी वे, अब नहीं आती। बेटियों को लेकर वैसे माहौल कैसा है? माहौल अच्छा। कभी ऐसा लगा हो जैसे मीडिया में? नहीं, ऐसे करती हैं, घर में करती हैं, सुमरण भी करती हैं, सब कुछ नहीं। आश्रम में कभी ऐसा माहौल हो जो मीडिया में दिखाया जाए? नहीं, पूरा विश्वास करती थी लड़कियां, बहुत सेवा करती थी, बहुत सेवा करके गई हैं, खेतों में भी करती थी। अब शादी के बाद ससुराल में जैसे हो जाता है माहौल वैसा कमाने देते ससुराल वाला ने, नाम तो लिया पर लेकिन अमल नहीं किया। क्या अपील करना चाहते हो आप लोगों से जो जिन्होंने मीडिया को देखा है, क्योंकि टीवी में काफ़ी लग दिखाया जा रहा था आश्रम के बारे में, आप क्या कहना चाहो? नहीं जी, हम बिल्कुल सरासर गलत कहना चाहेंगे, जो दिखा रहे हैं लोग गलत दिखा रहे हैं, सरासर गलत झूठ दिखा रहे हैं। हमने अपने पिताजी को अपने सतगुरु को सही पूरे इतने 40 साल से देखा है तो कोई हमने ऐसा काम नहीं देखा। जो आरोप लगाए गए संत, ये सब गलत झूठे आरोप हैं सब। सच क्या है, मतलब संत जी ने काम क्या किया है लोगों के लिए? अच्छे लिए काम किए हैं, बताओ इतने उनके क्या बोलते हैं ये किन्नरों के लिए करा, लड़की को समाज से निकाला, उनको अच्छे बेटियां बना कर उनकी शादी करवाई और समाज में इतने 134-135 मानवता भलाई के काम हो रहे हैं, वर्ल्ड उसमें लिया है उनने सारा, सब कुछ किया है, क्या नहीं किया? हमारे जैसे लोगों को, गरीबों की बच्चों की शादी करवाने के लिए गांवों में वो चलाई है, मकान बनवाए हैं, ऐसे लोग कौन बना कर दे रहा है? हम कोई बना कर दे रहे हैं किसी को? पहले नहीं जुड़े थे इस संस्था से, किसी को एक रुपया देकर राजी नहीं थे, अभी संस्था से जुड़ने के बाद ही हम परमार्थ के लिए इसके लिए ये सोच रहे हैं, और परम सतगुरु के चरणों में आने के बाद हमारे को दिया भी बहुत, हम ऐसे कैसे कह दें? नहीं, कभी आस भी नहीं थी इतना आ जाएगा, कभी नहीं सोचा था मैंने अक मेरे पास इतना होएगा। 12 साल किराए के मकानों में रही। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से संत जी के? हाँ, संत जी के लिए यही अपील करना चाहेंगे जी, सरासर झूठ बोल रहे हो आप लोग, जो गलत कर रहे हो, जो कर रहे हो। हमारे गुरु बिल्कुल सही थे, साफ हैं, सुथरे हैं, जैसे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत कर रहे हो। उनकी ज़रूरत है मैम? हम ज़रूरत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जनता का यही मानना है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम झूठे लगाए जा रहे हैं, इनकी अपील है कि सच सामने आना चाहिए। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए सच्ची बातें, फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत धन्यवाद।